वो तो ऑफ रोड तगड़ी वाली। अब आप आखिर वाटरफॉल देखोगे, नाम तो नहीं पता गाइस। जो रास्ते में चलते चलते हमें मिल गया, हमने बोला गाड़ी यू टर्न ली और वहाँ पे जा रहे हैं। इस वाटरफॉल में जाने के लिए आपको कच्ची रोड से होके निकलना पड़ता है गाइस। करीबन 1 या 2 किलोमीटर की कच्ची रोड है। राइडर हैं हम, राइडर कोई सस्ते राइडर नहीं है हम। थोड़ा सा रास्ता खराब है, थोड़ा सा नहीं है सर, ये पूरा रास्ता खराब है। इसे रास्ता खराब है ना, आपने गाना तो सुना ही होगा। मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा। कोशिश तो यही है कि आपको हिमालय पर्वत दिखाएं हम गाइस। वो तो मेरे घर से ही दिख जाएगा। हाँ तो बट आपके चांसेस ये है ना कि घर हम शायद जाएं। हाँ शायद जाएं, मतलब हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट से बेस्ट भी दिखाएं। गाइस एक दिन की छुट्टी लिया मैंने। गाइस अगर आपके पास ऑफ रोड वाली बाइक हो तो और बढ़िया, बट ऑफ रोड बाइक के लिए सिर्फ यही है थोड़ी सी जगह, बाकी तो ये तो मक्खन रोड है पूरी। कुमाऊं रीजन मेरे को घूमना था इसलिए मैं आया। सर ने मेरे को ऑफर किया कि चल भाई चलते हैं, मैं बोला चलो। हमने गाड़ी तो नहीं उठाई पर हमने बैग उठाया, बस पकड़ी, बस से सीधा हल्द्वानी, हल्द्वानी से भीमताल, भीमताल से कैची धाम मंदिर। अब हम अल्मोड़ा जाने की तैयारी में थे, उससे पहले ही ये एक कट दिखा जहाँ पे 2 किलोमीटर का एक वाटरफॉल था, तो हमने बोला चलो इसको व्यू कर विजिट करके आते हैं और देखते हैं कैसा है यहाँ के नज़ारे, ठीक है। और अभी हमारा खुशखबरी की बात है कि 50% फ्यूल ओवर हो चुका है, हमने फुल करवा दी थी टंकी हल्द्वानी से। और चलिए गाइस अभी मैं तुम्हें वाटरफॉल पर मिलता हूँ, वाटरफॉल पर। हम हैं अभी अल्मोड़ा से 20-15 इतना ही ना, 20 किलोमीटर के आसपास, बहुत मतलब 20 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और अभी हम रुके हुए हैं दुकाने वाटरफॉल, तो देख सकते हैं आप नीचे। मैं वही जा रहा हूँ एक्चुअली, हम अल्मोड़ा जा ही रहे थे, अल्मोड़ा जा ही रहे थे कि रास्ते में एक बोर्ड दिखा दुकाने वाटरफॉल 2 किलोमीटर, तो वहाँ से एक अलग से रोड है और हमने वहाँ पे कट लिया और आ गया है यहाँ पे। देख सकते हैं वाटरफॉल तो बहुत अच्छा है यार। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस वाटरफॉल को मैंने ऐसे कोई दूसरी मूवीज या गढ़वाली मूवी में देखा हुआ है, उस मूवी में शूटिंग वगैरह रहा होगा ये, बट है तो बहुत मस्त यार। आई होप हम बना लेंगे, शायद आए तो कुछ ना कुछ करके ही जाएंगे यार, ऐसे टाइम ख़राब थोड़ा करने आए हम यहाँ पे।
गाइस एकदम फ्रेश मजा आ गया। अभी टाइम हो रहा है 12:30, अब बस थोड़ा सा निकलते हैं यहाँ से, उसके बाद कुछ खाएंगे पियेंगे और सीधा घर को मतलब अल्मोड़ा को आगे की सफ़र और चलेंगे, क्योंकि मतलब जो भी थकावट थी सारी मिट चुकी है, एकदम मस्त। अब हमें ये वाटरफॉल को अलविदा करना पड़ेगा, तो हम मैं तो नहा गया था, सॉरी अपने दिनेश भाई नहीं नहा पाए, उनका मन नहीं कर रहा था, बट मैंने बोला छोड़ो यार इतनी मेहनत करिए तो नहाना तो पड़ेगा ही। तो आप अभी देख रहे हो खड़ी चढ़ाई है, थक लग रही है अब तो यार, पर मज़ा आ गया वाटरफॉल का पानी बिल्कुल ठंडा था, बट मज़ा आ गया यार गाइस। और 9% मेरे कैमरे की बैटरी बची हुई है, देखो 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 देखो, दिनेश भाई चल रहे हैं सबसे आगे। रुकमा रुकमणी तू मेरी परानी, रुकमा रुकमणी तू मेरी परानी, मेरी तरफा किला तुले मुख मोड़ी रुकमा, दिल तोड़ी रुकमा, मुख मोड़ी रुकमा, दिल तोड़ी रुकमा। रुकमा रुकमणी तू मेरी परानी, रुकमा रुकमणी तू मेरी परानी, मेरी तरफा किला तुले मुख मोड़ी रुकमा, दिल तोड़ी।